अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री नाइन केमिस्ट्री के चैप्टर वन का लेक्चर नंबर फोर है। इस लेक्चर में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर्स का। कंपाउंड और मिक्सचर्स बुक में अलग अलग भी लिखे हुए हैं और इनका डिफरेंस भी है। बोर्ड में जो है ज़्यादातर इनका डिफरेंस आता है, लेकिन जब हम इसको इसलिए से पढ़ेंगे कि इसका डिफरेंस और अलग अलग दोनों हम इनको एक साथ ही इकट्ठे कवर कर लेंगे। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस हैं, कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या एलिमेंट से बनकर बनते हैं। क्या दोबारा बात है? केमिकल कॉम्बिनेशन है एटम्स का या एलिमेंट्स का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैसा है? ये कॉम्बिनेशन फिक्स्ड कंपोजिशन में, ये कॉम्बिनेशन फिक्स्ड कंपोजिशन में, यानी कि एक मखसूस, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो चाह वो डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि दो हाइड्रोजन के एटम और दो क्लोरीन के एटम, दो हाइड्रोजन के एटम और दो क्लोरीन के एटम जब मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूल बनाते हैं HCl के। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आधा हाइड्रोजन और ये डालूं मुझे दो HCl मिल जाए, तभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स के मिलने का या एटम्स के मिलने का फिक्स कंपोजिशन के अंदर। जबकि इसके मुद्दा क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बनता है? मिक्सचर सिंपल कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एक सिंपल कॉम्बिनेशन या मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंस लिए और उनको मिक्स कर दिए किसी भी कंपोजिशन के अंदर, किसी भी कंपोजिशन के अंदर, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका मिक्सचर कहलाता है। मिसाल के तौर पर दूध का गिलास। अब इस दूध के गिलास में मैं मिक्सचर बनाना चाह रहा हूँ चीनी के साथ। अब जब मैं दूध के गिलास में चीनी डालूंगा, अब इसमें मैं एक चम्मच डाल दूँ तब भी वो मिक्सचर होगा, दो चम्मच डाल दूँ तब भी मिक्सचर है, तीन चम्मच डाल दूँ तब भी वो मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है? फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता, आपकी अपनी मर्जी है कौन सी चीज किसमें कितनी ज्यादा लेनी कितनी कम लेनी। तो मिक्सचर हैज नो फिक्स कंपोजिशन, व्हाइल कंपाउंड हैज फिक्स कंपोजिशन। अगली बात, कंपाउंड में क्या होता है? जो बनाने वाले होते हैं, जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं कंपाउंड को जिनसे मिलकर वो बन रहा है, या वो एटम जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बन रहा है, वो बाद में अपनी अपनी जो है आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त वो खो देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन क्या है? गैस। क्लोरीन इज ऑल्सो ए गैस, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं और HCl बनाते हैं तो अपनी शनाख्त खो देते हैं, और HCl नॉर्मली लिक्विड में भी मिल जाता है, HCl नॉर्मली लिक्विड में भी मिल जाता है। ये क्या है? ये नेचर में बर्निंग है। हाइड्रोजन केमिकली बर्न कर सकती है, क्लोरीन बर्न नहीं करती, लेकिन इनसे मिलकर बनने वाला कंपाउंड क्या है? वो बर्न नहीं करता, बल्कि वो जला देता है चीज़ों को, चीज़ों को जला देता है, खुद नहीं जलता लेकिन चीज़ों को जला देता है। जबकि मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर मैं पानी और पेट्रोल का मिक्सचर बनाऊँ, तो आप देखेंगे पेट्रोल की लेयर ऊपर आ जाएगी और पानी की लेयर नीचे रहेगी। तो पेट्रोल को अगर आप आग लगाएंगे तो पानी में भी वो पानी की सतह पे आग लग जाएगी। तो क्या हुआ? पेट्रोल ने अपनी कंपोजिशन को नहीं छोड़ा, पेट्रोल ने अपनी नेचर को नहीं छोड़ा, और पानी ने भी अपनी नेचर को नहीं छोड़ा। तो क्या है? पेट्रोल ने आग पकड़ ली जबकि पानी ने आग नहीं पकड़ी। तो आपको आग पानी की सतह नजर आएगी, वो अंदर नहीं होगी। तो क्या है? कॉन्स्टेंट्स जो थे मिक्सचर को बनाने वाले कॉन्स्टेंट्स जो थे, उन्होंने अपनी अपनी नेचर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं किया। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड को फिजिकल मीन्स है। फिजिकल मीन्स क्या है? ऐसे तरीके जो बाय हैंड आप अलग कर सको, सिंपल टेक्निक, तो इसमें आपको किसी केमिकल का यूज ना करना पड़े, इसमें आपको किसी केमिकल वे का यूज
ना करना पड़े, तो वो क्या होता है फिजिकल मीन। तो कंपाउंड को आप फिजिकल मीन से अलगा नहीं कर सकते। आप कभी भी HCl में से हाइड्रोजन और क्लोरीन को सिंपल वे से कि मैं इसको बॉइल कर दूँ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाए, ठीक है, मैं इसको फ्रीज कर दूंगा तो हाइड्रोजन क्लोरीन अलग, नहीं कर सकते। कंपाउंड को आप केमिकल मीन से फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करना है तो आपको केमिकल मीन यूज करना पड़ेगा, जबकि मिक्सचर को आप किसी भी फिजिकल वे से अलग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ प्लस मिक्सचर बना के मैंने सॉल्ट का प्लस वाटर का, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं सैंड सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाता हूँ, मुझे पता है वाटर और सॉल्ट आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, सैंड डिजोल्व नहीं होती, तो मैं किसी भी छाननी से अगर इसको अलग करूँगा तो सैंड अलग हो जाएगी, सॉल्ट और वाटर अलग। अब मैं चाहता हूँ वाटर और सॉल्ट को अलग करूँ, तो मैं इसको बॉयल करवाना शुरू करूँगा फिजिकल वे, तो वाटर वेपोरेट होके अलग हो जाएगा और सॉल्ट नीचे पैंदे में बच जाएगा या साइड्स पे जमा हो जाएगा। तो यही है फिजिकल मीन से मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, जबकि कंपाउंड को अलग नहीं करा जा सकता। अब क्योंकि कंपाउंड बने तो कंपाउंड एलिमेंट से नीचे बने, तो इनका कोई ना कोई खास केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे HCl का HCl है, जैसे कि वाटर का H2O है, जैसे कि अमोनिया का NH3 है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 है। अब ये देखिए दो क्वेश्चन से मिलकर बन रहे, ये भी दो से मिलकर बन रहे, खास केमिकल फॉर्मूला है, जबकि ये क्या है मिक्सचर क्या है, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसका कोई खास फॉर्मूला नहीं, रेत का और कोई खास फॉर्मूला नहीं, ठीक है। सॉल्ट और खास फॉर्मूला ऐसे जहाँ पे शो मिक्सचर का नहीं होता, क्योंकि दो कंपोनेंट से मिलकर बने, तो आप इसको किसी एक फॉर्मूले से शो नहीं कर सकते। अच्छा अगली बात क्या है, होमोजीनियस कंपाउंड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है और इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस हो भी सकती है, हेटरोजीनियस भी हो सकती है। अब आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या है और हेटरोजीनियस क्या है। लव्स होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा या एक जैसी शक्ल, ये। और हेटरोजीनियस का मतलब क्या है, जिसमें एक जैसी, जिसकी एक जैसी शक्ल, अच्छा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप इसको पढ़ते हैं फेज, मिस्ट्रिक लैंग्वेज में कहते हैं होमोजीनियस का फेज एक फेज होता है और हेटरोजीनियस का फेज एक नहीं होता। अगर आप इसको एटम्स के बारे में पढ़े तो होमोजीनियस होता है एक जैसे एटम से और हेटरोजीनियस होता है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट। अब जब बात करते हैं हम होमोजीनियस की, तो एक जैसी शक्ल होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम और क्लोरीन की, और ये मिलके बना रहे हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो एक बात ध्यान में रखें कि बनने वाला कंपाउंड जो है कैल्शियम क्लोराइड में जहां से मर्जी बीकर में बन गया कैल्शियम क्लोराइड, मैंने रिएक्शन करवाया और बीकर में कैल्शियम क्लोराइड बन गया, तो मैं बीकर के जिस मर्जी पॉइंट से देखूंगा तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड ये जैसा ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि वहां पे वो लिक्विड बन गया, इधर वो गैस की शक्ल में बन गया और इधर जो है वो सॉलिड की शक्ल में बन गया। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है, वो सारे का सारा या सॉलिड बन रहा है या वो सारे का सारा लिक्विड बन रहा है या वो सारे का सारा गैस की शक्ल में बन रहा है, उसकी अलग अलग शक्लें नहीं है, ठीक है। कंपाउंड क्या है, वो एक शक्ल में बनता है, ठीक है। अगर वो लिक्विड बना तो सारे का सारा लिक्विड ही होगा, अगर वो गैस बना तो सारे का सारा गैस की शक्ल में होगा, अगर वो सॉलिड बना तो सारे का सारा वो सॉलिड की शक्ल में होगा। जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटरोजीनियस भी हो सकता है, हेटरोजीनियस अलग अलग शक्ल। मिसाल के तौर पर अगर मैं पानी और रेत का मिक्सचर बनाऊँ तो पानी मुझे अलग नजर आएगा, पानी की शक्ल अलग होगी वो लिक्विड है और रेत की शक्ल अलग होगी मिक्सचर में वो नीचे पैंदे में बैठा होगा सॉलिड फॉर्म। तो ये क्या है, होमोजीनियस हेटरोजीनियस फेज का। अगर तो मिक्सचर क्या होमोजीनियस भी है और हेटरोजीनियस दोनों शक्लें रख सकता है, तो
रेत की मिसाल ले ली, अगर मैं मिसाल लेता हूँ आप अगर लें घर में अगर आप ऑयल और चावलों की मिसाल ले लें तो चावल अलग फेस में है और ऑयल अलग, अगर आप देखा होगा तो प्लेट में ऑयल अलग नजर आ रहा होता है और चावल अलग नजर आ रहे हैं, या सालन में अगर आप देखें ऑयल अलग फेस में होता है और जो शोरबा है या सूप है वो अलग शेप में। तो अब ये क्या है, ये हेटरोजीनियस फेज है, जबकि वो मिक्सचर होमोजीनियस में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर दूध और चीनी का मिक्सचर, जब आप चीनी को दूध में मिक्स कर लेते हैं तो आपको एक ही शक्ल नजर आती है, आपको चीनी अलग नजर नहीं आ रही होती, आपको दूध अलग नजर नहीं आ रहा, तो एक ही शक्ल में दूध का गिलास बना होता है। अगला पॉइंट क्या है, कंपाउंड क्योंकि होमोजीनियस होते हैं, एक जैसा हर तरफ से बराबर होता है, उनको डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, होमोजीनियस है, एक ही फेज है, तो इनका एक खास शार्प खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर एक कंपाउंड है, तो इसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे भी 100 डिग्री सेल्सियस तो होगा टेम्परेचर, वाटर बॉइल करना शुरू कर देगा। जबकि अगर मैं कहूँ 98 पे ये नहीं होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल आधे 98 पे बॉइल करना शुरू कर दिए और आधे जो है वो 100 पे बॉइल करना शुरू हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्योंकि होमोजीनियस फेस में तो 100 पे बॉइल करेंगे, शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं रेत और पानी के मिक्सचर की बात करूँ तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करना शुरू कर देता है, जबकि रेत जो मिक्सचर का ही हिस्सा है वो 100 पे नहीं बॉइल करेगी, वो 100 पे बॉइल नहीं कर रही, वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाकर बॉइल करना शुरू कर रही है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ मिक्सचर्स में, आपके दो अलॉयस के मिक्सचर बना लूँ, अगर मैं दो अलॉयज का मिक्सचर बना रहा हूँ तो एक अलॉय एक मेटल एक खास टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करेगा, दूसरा खास पे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जो है प्लास्टिक और मैंने रेत का मिक्सचर बना लिया, तो आप देखिए कि प्लास्टिक जल्दी मेल्ट कर जाएगा जबकि रेत आपको मेल्ट होती नजर नहीं आ रही उसका, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको मेल्ट होती नजर नहीं आएगी, लेकिन उसी मिक्सचर से जो है प्लास्टिक को जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कोई किसी पे जाके हो रहा है कोई किसी पे, जबकि एक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड्स का कि एक अगर पॉइंट आ गया तो सारे का सारा उसी पे जाकर बॉइल या मेल्ट करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता।